नमस्कार, रेवा टीवी के खास सेगमेंट में आप सभी का मैं सिमरन स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि एक सक्सेस मैन के पीछे हमेशा एक महिला का हाथ होता है, एक पुरुष के पीछे उसकी अर्धांगिनी का हाथ होता है। और ऐसा ही कुछ है लोकसभा चुनाव में जो सांसद पद के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं विवेक कृष्ण तनखा जी के साथ। जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमें ये बताया कि अगर वो सफलतापूर्वक कोई भी काम कर पाते हैं तो उनके पीछे उनकी अर्धांगिनी का पूरा हाथ होता है और कभी कभी वो उन्हें एडवाइस भी देती हैं। तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात और जानते हैं कि लोकसभा चुनाव तो हो चुका है 29 अप्रैल को, अब कैसा लग रहा है, क्योंकि सुबह जनसंपर्क में और शाम भी जनसंपर्क में ही बीतती थी। तो आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि अब कैसा लग रहा है उनको। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। ये बताइए अब कैसा लग रहा है? अब एकदम से इतना सादा बिजी रहने के बाद जी, थोड़ा सा अपना नॉर्मल रूटीन वापस आ गया है जी। क्योंकि चुनाव के दौरान तो मतलब पूरा फोकस उसी पे था, सुबह से निकल जाते थे। अब धीरे धीरे जो एक महीने तक जो चीज़ें घर है और अपना बाकी काम काज है तो उसमें अब ज़रा वापस नॉर्मल रूटीन वापस आ रहा है। एक बात करनी है कि 2014 में जो इलेक्शन हुआ था उससे 2019 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 11% जो है वो वोटर्स बढ़े हैं और वोटिंग की परसेंटेज बढ़ी है। कैसा लग रहा है और कैसे रुझान आपको समझ में आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो वोटिंग की परसेंटेज बढ़ी है वो इसलिए भी बढ़ी क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा फोकस था और अवेयरनेस थी तो कि वोटिंग आपका हक है और आपको वोट ज़रूर डालना चाहिए। बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो बहुत एक्साइटेड हैं अपना वोट डालने के लिए और रुझान कैसे होंगे ये तो अब 23 को ही पता चलेगा, पर हमको फीडबैक तो बहुत अच्छे मिले हैं और ऐसा लग रहा है कि जबलपुर की जनता चाहती है कि थोड़ा बहुत बदलाव हो क्योंकि 15 साल की एक काफ़ी एक एंटी इनकम्बेंसी बोलिए या एक सुस्तता आ जाती है उसमें, तो ऐसा लग रहा है कि लोग अपने स्थानीय मुद्दों को काफ़ी ध्यान में रख के करेंगे और बाकी तो फिर एक इलेक्शन है, उसका रिजल्ट अब 23 मई को पता चलेगा। बात होती है क्योंकि आप एक महिला हैं तो महिला एक सांसद में, भावी सांसद में क्या क्वालिटीज़ देखती है कि महिलाओं के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? और जबलपुर से नाते की बात करें तो आपका जबलपुर से गहरा नाता है और शादी होकर आप यहाँ पर आई और उसके बाद आना जाना लगा रहता है और जबलपुर की जनता के साथ भी विशेष लगाव है, तो जो सांसद है उसमें महिलाओं के लिए, उसमें गर्ल्स के लिए क्या क्या कार्य किए जाने चाहिए और उनके लिए उनके हक में क्या कार्य होने चाहिए, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है मैं नरसिंहपुर से हूँ, मेरी फैमिली नरसिंहपुर से है, शादी पर मेरे फादर क्योंकि आर्मी में थे तो हम लोग 25 साल आर्मी में थे तो काफ़ी मतलब बाहर अलग अलग जगह में हम लोग रहे हैं, फिर शादी करके मैं जबलपुर आ गई और राजनीति से तो हमेशा से जुड़े हैं हम क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, फिर मिनिस्टर थे यहाँ पे काफ़ी साल, मेरे फादर आर्मी में थे 25 साल और उतने ही साल करीब पब्लिक लाइफ में भी थे और तो मतलब मुझे ये लगता है कि जो महिलाओं के लिए जो मुद्दे ज़रूरी होने चाहिए या जो कि हमारे सांसद हों चाहे विधायक हो जो भी हमारे नेता हैं उनको जो देखना चाहिए, एक तो हर जगह के मुद्दे अलग हैं जी। मैंने देखा है कि शहर में एक महिलाओं का के लिए अलग एक अलग है, गांव है वहाँ पे महिलाओं के लिए अलग है, तो और मुझे लगता है कि सबसे जो इसका एक जो बेस है जो एक क्या बोलें कि बेसिक रिक्वायरमेंट जहाँ से कि हमको लगता है चेंज हो सकता है वो लगता है, मुझे लगता है एजुकेशन जी। एक एजुकेशन और एक अवेयरनेस की एक महिला जो है वो पुरुष के बराबर है और रहेगी और खड़ी हो सकती है और हम अगर ये जो हमारे 50% की जो हमारी आबादी है इसको हम अगर पूरा एक फ्रीडम नहीं देते हैं काम करने का और जो वो मुकाम हासिल कर सकती है उसमें हम उनको मदद करें या मदद के अलावा या उनको एक फ्रीडम दें कि आप वो मुकाम हासिल कर सकें, तो आप सोचिए कि हमारे देश जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो मुझे ये लगता है कि देखिए महिला सुरक्षा है, गांव में आप चले जाइए तो महिलाओं को जैसे गर्ल्स हैं जहाँ थोड़े से कॉलेज दूर हो जाते हैं तो वो पढ़ नहीं सकती हैं क्योंकि वो पेरेंट्स डरते हैं, तो सुरक्षा है, फिर आपकी उनको कम से कम एडुकेशन उनका पास में होना चाहिए, फिर एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि भाई महिलाओं को एक ये नहीं है कि महिलाओं का एक जो मैं यहाँ देखती हूँ स्पेशली गांव में कि एम है कि लड़कियों की शादी कर दो, पढ़ लिख जाएं शादी कर दो, तो मतलब एम पूरा होता है कि भाई आप
खाना सीख लीजिए, घर के काम सीख लीजिए। तो एक बचपन से ही जो हम लोग लड़के लड़की में भेदभाव करते हैं, तो एज अ आप जो भी आपके लीडर्स होते हैं वो कम से कम एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं या एक अवेयरनेस ला सकते हैं कि आप महिलाओं को और पुरुषों को, और पुरुषों को ज़्यादा मुझे लगता है इसमें स्पेशली सुरक्षा के मामले में कि पुरुषों को ज़्यादा बताना ज़रूरी है, जो कि आप अपने घर में अपने बेटों से आप बोल सकते हैं जी। कि भाई मतलब आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, तो वो आप जब बराबर का उनको एक ओहदा देंगे, तो डाउरी है जैसे जी। तो सबसे बड़ी वो है, तो ये सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हैं, जो लॉज तो आ गए हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है आज भी आप देखेंगे, इसी वजह से आई थिंक महिलाओं का आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल है। गांव में कई जगह मैंने देखा जहाँ अपने सरपंच हैं, जहाँ महिला सीट हैं, आरक्षण तो हो गए हैं, जो महिला जो है वो बन गई हैं सरपंच पर, लेकिन जो सरपंच पति हैं वो सब चला रहे हैं जी। तो वो थोड़ा सा अब वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो एक मल्टी प्रॉन्ग मुझे लगता है कि हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा। हो रहा है, चेंजेस हुए हैं काफ़ी। आजकल अब देखिए कि महिलाएं आर्मी में तक में मतलब पहले फाइटिंग आर्म्स में नहीं थी महिलाएं, अब फाइटिंग आर्म्स में भी उनको अलाउ कर दिया गया, तो हम लोग ने प्रोग्रेस किया है लेकिन अभी बहुत कुछ करने को है। बिल्कुल। और आपने एक चीज़ जो कही कि महिलाओं की बात आपने कही कि मैं जब गांव में गई तो सरपंच को देखा, तो सरपंच पति, आप चाहे किसी भी फील्ड पे चले जाएं, अगर आप में डिसीजन मेकिंग की कमी है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में जब हमारा लालन पोषण होता है और हमें बताया जाता है कि आप बेटी हैं और ये लड़का है, ये लड़की है, अगर स्टार्टिंग से दोनों में सिमिलरिटीज हों तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। और हम चाहे पढ़ लिख जाएं, चाहे आप जॉब करने लगें, चाहे कुछ, जैसे कि सरपंच की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ मेयर भी हैं, मेयर में भी कई बार ऐसा लगता है कि डिसीजन मेकिंग की कमी सी है, क्योंकि महापौर जो होती हैं आपके शहर की पहली नागरिक मानी जाती हैं और जनता को जो है उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, और खासकर हमें गर्व होता है कि जब एक महिला ऐसे पद पर बैठी हुई है तो कोई भी सताई हुई महिला कोई भी प्रॉब्लम लेकर जाती है तो उसको लगता है कि सबसे पहले सॉल्व ये करेंगे क्योंकि ये समझेगी, बट अगर आपका डिसीजन मेकिंग वीक होगा तो हाउ कैन पॉसिबल। जो मैंने मुझे तो मालूम नहीं है पर मैंने बहुत लोगों से सुना है महापौर के बारे में कि वो कहते हैं कि वो जब उनको उनके पास कुछ काम लेके जाओ तो उनके जो पति हैं वो दूसरे कमरे में बैठे रहते हैं, तो वो मीटिंग रोक के जाती हैं, उनसे पूछती हैं कि कैसे करेंगे और फिर वो वापस आती हैं। मुझे पता नहीं पर ऐसा कहते हैं। तो मुझे यही लगता है कि जो आप बोल रहे हैं कि जैसे मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरे फादर आर्मी में थे, हम लोग वो इकलौते बेटे थे दो भाइयों के बीच में और हम दो बेटियाँ थीं, लेकिन उनने हमको कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर का। एक सेफ्टी के वजह से ज़रूर एक होता है कि भाई आप अपने आप को सिक्योर रखें। मेरा एक बेटा एक बेटी है लेकिन बचपन से मतलब हमने जो मैं कई बार देखती हूँ कि भाई बेटी को बोलेंगे जाओ भैया आया है उसके लिए पानी ले आओ या उसके लिए ये बना दो, हमारे यहाँ तो उल्टा है। हमारे यहाँ मतलब मेरी बहन की दो बेटियाँ हैं, हम लोग के बेटा एक है, बहनें ज़्यादा हैं उनकी, और वो बाकी बहनें खाना वाना बनाना बिल्कुल नहीं जानती हैं और वो उसको बहुत पसंद है खाना बनाना और बनाता भी है, सबको खिलाता भी है। तो हमने कभी ये नहीं वो एक भेदभाव रखा कि भाई आप लड़के हैं तो आप नहीं करेंगे या आपको लड़की है तो आपको खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। तो जिसके जो शौक हैं तो वो आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप उनको एक पावर नहीं देते करने का कि भाई आप लड़की हो आपको कुछ बोलना नहीं है। आज भी मैं देखती हूँ कि कई महिलाएं स्पेशली जो मैं पढ़ी लिखी महिलाओं की भी बात कर रही हूँ कि उनको अपने राइट्स नहीं पता है, फाइनेंशियल जो आपका घर का जो फाइनेंशियल जो भी डीलिंग्स होती हैं उसमें उनको यही नहीं पता कि कि हमारे अकाउंट्स जॉइंट अकाउंट्स कितने हैं कितने नहीं हैं, किस में पैसा लगाना चाहिए नहीं करना चाहिए या किस तरीके से खर्चा करना चाहिए। तो ये अभी तक ये चीज़ है, तो महिलाओं को लिटरली मुझको तो लगता है कि हर स्टेप पे उनको लड़ना पड़ता है अपने लिए, जो करना उनमें से कुछ जो होती हैं जिनमें ताकत होती है तो आगे बढ़ जाती हैं और बाकी जो है उनको इसीलिए मुझे लगता है जो 33% हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, कायदे से तो देखा जाए रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए, बट कुछ जो महिलाएं हैं जो नहीं निकल के आती हैं, जैसे हम लोग मुझे लगता है सरपंच के लिए भी हमने रिजर्वेशन किया या पार्षद के लिए किया, तो उनमें से हो सकता है कि 10 में से 4-5 हैं जो हु कैन कम ऑफ देयर ओन, मतलब जो कि अपना एक 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 परछाई से बाहर आके और कुछ कर सकती हैं। तो एक प्रोसेस है, बहुत चेंज हुआ है,
कुछ नियम भी बनाने चाहिए कि अगर आप सरपंच का चुनाव लड़ रही हैं तो डिसीजन भी आप ही लेंगी, आपके घर से कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट वो कई चीज़ें कागजी होकर रह जाती हैं। वो कहेंगी यही, वो तो हाँ नहीं मैं तो मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं जाते हैं आप उनसे बात करिए तो वो बोल ही नहीं पाते हैं, उनके हस्बैंड ही बोलते हैं। तो अगेन मुझे लगता है कि जब तक शिक्षा, अवेयरनेस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आप नहीं देंगे, और जब तक ये इस टाइप की हाँ एक फ्रीडम नहीं देंगे, और जब तक मेरी जो सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए फ्रीडम नहीं दी जाती है कि भाई वो सिक्योर नहीं है। अब बाहर आप उनको बोलिए अकेले रात को जाने, कई ऐसे मतलब हैं जाने, तो बड़ा एक डाइकोटमी सी आ जाती है कि उनको फ्रीडम भी देनी है लेकिन उनको सुरक्षित भी रखना है। तो मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा तो इसमें पुरुषों को ही अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और हम बचपन से अगर अपने बच्चों को, अपने बेटों को, भाइयों को, उनका अगर हम माइंडसेट अगर हम सही दिशा में लाएं और उनको बताएं कि एक समानता है, तो ज़रूर इसमें बहुत फ़र्क आएगा। बिल्कुल, और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि लोकसभा चुनाव जो 2019 का जबलपुर का है उसको 5 महिलाओं ने कंप्लीट किया है, कलेक्टर भी, आपका जिला पंचायत के अध्यक्ष भी, फिर जिन्होंने पूरा इलेक्शन देखा है वो भी, और 2 अन्य महिलाएं भी। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि महापौर भी महिलाएं। लोगों को ये लगता है कि जब महिला कहीं पर बैठी हुई है तो बड़ी खुशी की बात होती है, बट जब उनको न्याय नहीं मिलता है तब वो सोचती हैं कि किस काम की ये महिलाएं। कलेक्टर हैं, बहुत दबंग हैं, और महिलाएं जब उनके पास जाती हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेके तो वो बड़े अच्छे से उसको सॉल्व करने की कोशिश करती हैं और बड़ी अच्छी हैं। यूं कहें कि जब भी नियम कायदे कानून की बात होती है तो बड़े स्ट्रांगली वो उसको करती हैं कंप्लीट। विधानसभा चुनाव उन्होंने कंप्लीट करवाया, फिर ये लोकसभा, तो एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उस समय आपको कैसा लगता है कि जब महिलाएँ ऐसे पद पर खुद डिसीजन लेती हैं? नहीं, ये तो वाकई बहुत गर्व की बात है, इसमें तो अच्छा ही लगेगा, कोई दो ओपिनियन ही नहीं है इस चीज़ में कि महिलाएं जब आगे आती हैं। और मुझे लगता है कि मतलब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर ऐसी महिलाओं को देख के बहुत सारी जो दूसरी महिलाएं हैं जिनको कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है उनको कि महिलाओं को जब ऐसे पोजिशन में, ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लेते हुए, डिसीशन लेते हुए, और कोई भी चीज़ को बहुत सफलता से पूर्ण करते हुए देखती हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है महिलाओं के लिए। आपने जैसे कि बताया कि आप की जो फैमिली है, पहले तो बात करें कि आप आर्मी बैकग्राउंड से, उसके बाद फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड आया, और एक सोशल बैकग्राउंड भी है, और उसके बाद फैमिली है, तो इन सब चीज़ों में तालमेल कैसे बैठाती हैं आरती तनखा जी? क्योंकि अगर हम विवेक जी की बात करें तो राज्यसभा सांसद वो हैं अभी भी, अभी हालांकि लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को भी संभाल रहे हैं, फिर आपका रोटरी क्लब है, उसके बाद आपके स्कूल्स चल रहे हैं दिव्यांग बच्चों के, तो कैसे सारा कुछ मैनेजमेंट संभालती हैं? क्योंकि सारा कुछ अगर हम बात करें एक महिला की, तो एक मकान को घर बनाने की जो भूमिका अदा करती है सिर्फ और सिर्फ एक महिला करती है, क्या कहेंगे आप? एक तो मैं ये नहीं मानती कि हमारे जो ये 3-4 पहलू हैं ये एक दूसरे से अलग हैं, ये सब एक बहुत अच्छे से फ्लो में रहते हैं जी। और अगर आपका जो आपका जो दृष्टिकोण है या आपकी जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी आपकी हर इस पहलू में झलकती है, क्योंकि ये जैसे इनका एक पूरा एक जो एक एक आउटलुक है या जो एक सोच है वो एक समाज सेवी सोच है जी। तो चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो रोटरी में थे हैं, और तो वो सोच पूरी जो है इनकी हमेशा रहता है कि मैं कैसे लोगों का मदद कर सकता हूँ। तो वही सोच आपकी प्रोफेशन में आ जाती है, वही सोच आपके घर में आती है, वही सोच आपकी जो आप राजनीति में आती है। मेरे फादर आर्मी में थे तो हम लोग का तो एक बहुत डिसिप्लिन सा एक एटमोसफेयर रहा है, और हम लोग की मतलब आर्मी में तो यही होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर आप जो करनी है तो वो देर इज़ ओनली येस सर, देर इज़ नो नो सर, मतलब कैसे नहीं हो सकता वो डिक्शनरी में नो का ऑप्शन नहीं है। राजनीति में मैं देखती हूँ कि थोड़ा सा जब मेरे फादर आर्मी से राजनीति में आए थोड़ा सा एक उनको होता था, क्योंकि उनकी आदत थी वो सच बोलते थे, जो सामने जो है
ब्लैक इज़ ब्लैक, वाइट इज़ वाइट. तो राजनीति में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है. आपको बहुत, आप जो बोलते हैं वो पॉलिश वे में बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं आप बिल्कुल जाके हो सकता है बिल्कुल उसका विपरीत करें. तो इनके लिए तो बट तो भी ही वॉज ही स्टिल नोन एज अ वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिशियन. अगर आप अजय मिश्रा जी का नाम कभी मध्य प्रदेश में लेंगे तो दे आर नोन टू बी लाइक ही वॉज नोन टू बी, मेरे ग्रैंड फादर भी थे. तो आई फील कि लाइक जो भी आपकी पर्सनैलिटी है वो आपकी हर उस चीज़ में झलकती है, और घर में भी फिर वैसा एटमोसफेयर हो जाता है. हम लोग भी जब जो सब होते हैं, फिर क्यों हमारे यहाँ बातचीत ही वैसी होती कि भाई कोई भी चीज़ को आप, आपको जो मिला है इतना भगवान की कृपा से, तो आप उसको समाज को कैसे वापस कर सकें. तो बचपन से बच्चे ये देखते हैं तो वो तालमेल मिलाना मुश्किल नहीं होता है, ऐसा मेरा समझना है. हाँ, टाइम आपका काफ़ी जाता है तो आपको टाइम निकालना पड़ता है अपने दूसरे और चीज़ों के लिए. बट बाकी चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो प्रोफेशन हो. और फिर ये होता था कि ये बिजी रहते थे तो मैं बच्चों का, जब बच्चे छोटे थे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो आई यूज़ टू लुक आफ्टर कि भाई बच्चों का स्कूल है उनका वो. फिर मेरी मदर है, मदर इन लॉ है, आपकी बहुत दूसरी एक पारिवारिक ड्यूटीज़ हो जाती हैं जी. शादी है, ब्याह है, तो ऐसे इसमें ज़रूर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, हाँ, इन्वॉल्वमेंट होनी ज़रूरी होती है. बट आपको पता है कि अगर आपके जो हस्बैंड हैं वो एक ऐसा इस चीज़ में बिजी हैं जो कि जिसमें लोगों का भला ही हो रहा है जी. तो आपको बिना कंप्लेन करे आप ये एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ करना पड़ता है तो आई डोंट माइंड, इट्स अ हैप्पी बैलेंस. बात लोकसभा चुनाव 2019 की वोटिंग हो गई और जनसंपर्क समाप्त हो गया, लोगों ने वोट डाल दिया है, 23 मई को रिजल्ट आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा. और अब चूंकि लाइफ नॉर्मल हो गई है, उसके बाद फिर वही फैमिली और मदर, मदर इन लॉ और बच्चे. और विवेक तन्खा जी, तो विवेक तन्खा जी की अगर बात करें तो एक चीज़ जानना चाहूँगी, उनकी सबसे अच्छी खूबी आपको क्या लगती है? बहुत सारी खूबियाँ हैं, मुझे खुद भी बोलना अच्छा नहीं लगता है मतलब वो. बट और ये चीज़ मेरे ख्याल से इलेक्शन चाहे 2014 था चाहे ये 2019 का है, और ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये सब ये बोलते हैं. एक तो उन सबसे अच्छी जो उनकी खूबी है कि वो बहुत, एक बहुत साफ दिल के हैं और एक बहुत पॉजिटिव हैं. वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं न करते हैं, न कभी उनमें बदले की भावना है, उनमें गुस्सा नहीं है. वो जो भी काम, वो ये सोचते हैं मैं कैसे अच्छा काम करूं, उनको ये नहीं लगता कि मैं दूसरे की टांग कैसे खींचूं या दूसरे का काम कैसे. वो हमेशा, और वो बहुत बड़े सपने देखते हैं. ये चीज़ मैंने देखा है कि वो बहुत फियरलेस हैं बड़े सपने देखने के लिए, वो डरते नहीं हैं. शुरू में हमको भी ऐसा लगता था कि अरे यू नो ये इतना बड़ा, ये कैसे होगा. जैसे जब, छोटा सा एक इंसिडेंट बताऊंगी कि जब ये रोटरी गवर्नर बने जी, तो हर रोटरी गवर्नर का एक साल का टेन्योर होता है, उनको एक रोटरी कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है. तो इन्होंने बोला कि मैं अपने रोटरी कॉन्फ्रेंस में पोलियो के उसके लिए मैं ऐश्वर्या राय को लेके आऊँगा. तो उस टाइम जबलपुर में आना, ऐश्वर्या राय का आना, मिस वर्ल्ड बनी थी, शी वाज वेरी पॉपुलर, अभी भी हैं. तो सबको ये लग रहा था कि मतलब क्या वो आएंगी, क्या वो आएंगी. बट वो आई यहाँ पे और मतलब अपने, हमारे प्रोग्राम हुआ यहाँ पे. तो वही मैं कह रही हूँ, तो इनको ये लगता है, सबसे बड़ी जो मुझे इनको लगता है कि एक विजन है, समथिंग डिफरेंट, समथिंग. और ये विजन हमेशा समथिंग डिफरेंट सोचते हैं और बड़ा सोचते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं. और फिर और ये ऐसा नहीं कि विजन एक हवाई सपने जो हैं वो करके छोड़ देते हैं, फिर वो प्लानिंग से जाके वो करके और वो उस चीज़ को पॉसिबल कर देते हैं. तो ये मुझे लगता है उनमें एक बड़ी खूबी है वो. और इसीलिए मतलब मुझे लगता है, मैं पहले थोड़ा रिलक्टेंट थी कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर मुझे लगता है कि अगर देखिए मौका मिलेगा तो जबलपुर को वाकई वो एक आदर्श शहर या एक कुछ नया करके दिखा सकते हैं कि भाई नेता भी ऐसा काम कर सकते हैं जी. जैसा आपने बोला कि जबलपुर शहर को एक आदर्श शहर, स्मार्ट सिटी का तो तमगा हालांकि मिल चुका है, 7वें नंबर पे पहली बार में जबलपुर शहर को सेलेक्ट किया गया. उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, यहाँ के अधिकारियों ने भी पार्टिसिपेट किया, और एक बहुत बड़ा जो सपना गांधी जी ने देखा था स्वच्छता का, और स्वच्छता ही सेवा है उनका एक
स्लोगन था जिसको नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया, लोगों को इन्वॉल्व किया, उसमें जबलपुर शहर भी कॉम्पीट करता है। बट जब बात करते हैं हम कॉम्पिटिशन की, तो साल दर साल जो आपका नंबर है वो पीछे आते जा रहा है। लेकिन इंदौर की बात करें, भोपाल की बात करें, तो नंबर वन वो बने हुए हैं। कहाँ कमी लगती है आपको? पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी लगती है, या पूरा ये जो कंपटीशन है वो ऐसा लगता है कि सरकारी महकमे का हो गया है? क्योंकि जहाँ तक किसी भी कंपटीशन की बात अगर हम स्टेट लेवल पर कर रहे हैं या देश के लेवल पे, पब्लिक का होना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आपने मेरे ख्याल से खुद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। और ये तो मैं वाकई मानती हूँ कि स्वच्छता का जो एक अभियान शुरू हुआ है जो बहुत ज़रूरी है और ज़रूरी था, लेकिन जब तक उसमें पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करेगी, और थोड़ा सा यहाँ मुझे लगता है कि जो शुरू में जब स्वच्छता अभियान शुरू हुई, बड़े बड़े नेता झाड़ू लेके निकल गए कि भाई आप लोग साफ़ करिए, तो इसके बजाय अगर ये होता कि भाई आप लोग अपना अपना साफ़ करिए, दूसरे का मतलब ये ऐसा एक इम्प्रेशन गया कि भाई कचरा है, आप दूसरे का कचरा भी साफ़ करिए। हम कहते हैं अगर हम खुद गंदा ही ना करें तो हमको किसी का कचरा साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, मुझे उन लोग के लिए बहुत फील होता है। आप देखिए कि आज भी मतलब उनको, वो सफाई कर रहे हैं लेकिन आजकल भी उनके जो चाहे उनकी सैलरीज हों, चाहे उनको एक स्टेटस जो एक सोसाइटी में मिलना चाहिए, हम लोग उन बड़ी एक हीन दृष्टि से उनको देखते हैं। और मैं तो जहाँ जहाँ जाती हूँ, मैं हर जगह यही गांव में भी जाती हूँ, आप पूछ लेंगे चाहे लोगों को नहीं पसंद आता होगा, मैं यही बोलती हूँ उनसे कि देखिए आप कहते हैं नाली नहीं है, सरकार ने आपके लिए नाली बना दी, पक्की नालियाँ बना दी हैं, लेकिन वो आज जाएंगे तो उसमें चिप्स के पैकेट, बॉटल्स, जूस के कार्टन्स पुराने, और ये गांव की बात बता रही हूँ, वो पूरे भरे हुए हैं, पानी निकल नहीं रहा है, फिर उसमें मच्छर हो रहे हैं, फिर बीमारियाँ हो रही हैं। तो अगर पब्लिक, आप हर चीज़ सरकार नहीं कर सकती कि आप गंदा करते जाएं और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि जब कोई जाता है कि देखिए कितनी गंदगी है। तो वो एक जो एक अगेन इट कम्स डाउन टू शिक्षा। तो जो आपने जैसे जो बोला कि पब्लिक का खुद का जो पार्टिसिपेशन है, अगर हम गंदा ही नहीं करेंगे तो हमको साफ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार की तरफ से ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि जैसे आपको हर जगह, आप बाहर जाइए आपको हर जगह डस्टबिन दिखते हैं। एक दूसरी चीज़, जो अगर हम लोग कचरा, जैसे जो घर का जो भी कचरा होता है, एक तो वो गीला कचरा सूखा कचरा अलग करें, उसकी और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, किसी जिस तरीके से आप लोग उनको इंसेंटिव दे सकते हैं। पर सरकार की तरफ से जहाँ कमी है कि जो कचरे की जो गाड़ियाँ हैं, जो रेगुलर वे में आपको आके कचरा इकट्ठा करना चाहिए, तो वो नहीं होता है। फिर रिसाइकलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल बहुत तरीके हैं जिनसे कि बहुत सारे एनजीओज हैं जो ये काम कर रहे हैं जहाँ पे रिसाइकलिंग होती है। इंदौर में इससे बिजली बन रही है, इंदौर में इससे काफ़ी कुछ हुआ है, और गैस बन रही है। और मैंने ये भी, खाद बन रही है कि वो कहते हैं कि अगर उनको आप दीजिए उनको कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लोग क्या करते हैं कि दे गो टू दीज अपना सब्जी मंडियां हैं या जहां गायें हैं, गौशाला हैं, उन वहां से ये लोग गोबर लेते हैं, उनको कहीं और देते हैं सब्जी कलेक्ट करके। एक मैंने प्रोग्राम देखा था, मैं भूल गई हूँ किसका, कि लिटरली लाइक मतलब 24 आवर्स में वो पूरा कचरा कलेक्ट होके जो जहाँ जिसको जाना होता है जाके, मुर्गियों को जाता है, वो बकरी को जाता है, वो खा के मछलियों को जाता है, कहीं केंचुओं को जाता है, जो खाद बनता है, तो आपकी सफाई हो जाती है, आपका कचरा चला निकल जाता है, और उसका बाय प्रोडक्ट आपको एक यूज़फुल चीज़ मिल रही है। तो ये थोड़े से इनिशिएटिव्स हमको थोड़े से और बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल, वर्मी कंपोस्ट एक कहते हैं कि आपके जो गीले कचरे हैं उसे वर्मी कंपोस्ट, वही मैंने कहा केंचुए को जो देके जो खाद बनती है, तो वो हो सकता है, पत्ती की खाद बन सकती है। वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि हर जगह यहाँ पानी की इतनी कमी है, तो वाटर हार्वेस्टिंग की ज़्यादा जहाँ गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है करने के उसमें। लेकिन सब घूम फिर के हम आ जाते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति पे, चीज़ें बहुत हैं, योजनाएँ हैं, पैसा है, लोगों के इंटेलिजेंट मतलब माइंड्स भी हैं, जो इंटेलिजेंट माइंड्स हैं जो इसमें लग सकते हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके विशेषज्ञ भी हैं, लेकिन वो घूम फिर के मैं बरगी के गांव में गई थी, वहाँ पे आज भी महिलाएं 3 किलोमीटर से जाके पानी लेके आती हैं, बोरिंग है, प्राइवेट बोरिंग है, 200-200 रुपये लेके पानी भर रही हैं महिलाएँ। लेकिन जहाँ अगर प्राइवेट बोरिंग हो सकती है, वहाँ सरकारी बोरिंग भी हो सकती है। बिल्कुल, तो वो क्योंकि योजनाएं जो हैं वो नीचे तक नहीं पहुंचती हैं, वो गरीब आदमी तक नहीं पहुंचती हैं। 2014 में जो समस्याएं थी, मैं गांव में जब घूमी थी कैंपेन के दौरान, आज भी वही समस्याएं, वही
एक गरीब को उनको मतलब नहीं है कि सांसद का चुनाव है कि विधायक का है कि सरपंच का है, उनकी समस्या है पानी, गरीबी रेखा कार्ड, राशन, नौकरी, स्कूल, मतलब नौकरी तो क्या है मुझे लगता है वो सोच भी नहीं पा रही है पढ़ाई के बारे में, बट पानी और ये इनकी मूलभूत जो ग्रामीण जो आपके प्रधानमंत्री के योजना के अंतर्गत जो आपका आवास जो है, आप देखिए कितने आवास हैं, शौचालय कितने बने हैं, गैस जो है आपने दे दी पहले गैस वो दोबारा भरने का सिलेंडर उन्होंने ऊपर डाल के रख दिए हैं, तो नीचे तक नहीं पहुंच रही है वहाँ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अगेन मुझे लगता है क्योंकि हम लोग सही आदमी को नहीं चुनते हैं, हम लोग बह के जाके किसी एक व्यक्ति या किसी एक सिर्फ पार्टी के उसमें जब हम चुन लेते हैं तो जो गलत आदमी चुन के आता है उसमें वो कैपेसिटी नहीं होती चीज़ें, मतलब क्योंकि उसकी नीयत साफ़ नहीं है, तो आपकी इच्छा शक्ति नीयत जहाँ जो जो स्पेशली जो आपके जो प्रतिनिधि हैं जो आपके नेता हैं जो कि अपने आप को पता नहीं राजा या क्या समझने लगते हैं जब चुन के आ जाते हैं, वो ये ना करके जो सही व्यक्ति को आप चुनेंगे तो आपका काम भी ज़्यादा अच्छे ढंग से होता है, मतलब लोग यही बोलते हैं कि देखिए आजकल तो अच्छे लोग नहीं आते, पर जब अच्छे लोग आते हैं उनका आना इतना मुश्किल हो जाता है तो आपका एक स्तर जो है गिरता जाता है और नुकसान सिर्फ बेचारी गरीब जनता का होता है। लास्ट में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो संस्कारधानी जबलपुर शहर की महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, उनको वुमेन एम्पावरमेंट जिसके बात करते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए महिलाओं के लिए तो मतलब पहले तो हम जब घर में हमारी बेटी पैदा होती है जी, सबसे पहले तो उसकी खुशी मनाइए आप, घर में लक्ष्मी आई है। बिल्कुल। और मेरी दादी हमेशा कहती थी जब कोई जब मैं पैदा हुई तो मतलब बताया उन्होंने, मेरे दादाजी जो थे वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो जब दादी जी ने घर में आके बताया, उन्हें एक बार बोला कि उनको नन्ना को मोड़ी हुई है, तो उनने चुप रहा, तो उनने बोला नन्ना को मोड़ी हुई है, हमारे घर में जो काम करता था जी। तो बोलने लगे नन्ना, मेरे पिताजी को नन्ना बोला करते थे। हाँ। तो वो कहने लगे हाँ सुन लाओ, अब अगली बार मोड़ा हो जाओगे हो जाएगा, तो वो जो एक सोच है बचपन से ही जो हम लोग को ऐसा लगता है कि हाँ। अरे नहीं लड़का होना चाहिए, मतलब एक प्राइडली प्राउड एक प्राइड से लोग बोलते हैं कि भाई लड़का हुआ है, और काफ़ी जगह बदल गया है, बट तो वो बचपन से ही हमको, फिर उस लड़की को आप पढ़ाइए, जो सरकार कहती है कि भाई आप फ्री शिक्षा है लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, और अगर उनको कोई दिक्कतें आ रही हैं थोड़ी बहुत तो आप उनको उनके संग मदद करिए, सपोज़ एक एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़े लड़कियों को पढ़ाने के लिए, कहीं संग जाना पड़े कहीं उनके सिक्योरिटी के वजह से, तो वो करिए। उसके बाद फिर शादी जो है पढ़ाई लिखा ऐसा पढ़ा लिखा है कि वो अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, कि कल को देखिए ज़िंदगी किसी ने नहीं देखी है, कल को कोई मुसीबत आए तो उनको ये ना हो कि उनको किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़े, तो उनको फाइनेंशियली आत्मनिर्भर होना चाहिए, और बचपन से अपने बेटों को या बेटियों को अपने जो भी डिसीशन मेकिंग है उसमें इन्वॉल्व करिए। एक हमारे फ्रेंड हैं जो बाहर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो यही बोल रहे थे, कह रहे थे कि मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि इंडिया में हम लोग जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हर बार ये बोलते हैं अभी तो आप छोटे हो, 20-21 साल के भी हो जाएंगे तो अभी छोटे हो, उनको क्या पढ़ाई लेनी करनी है, क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या उनको किससे शादी करनी है, वो सब डिसीशंस जो हैं वो पेरेंट्स लेते हैं कि अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हें नहीं पता, और अगर वो कोई इंडिपेंडेंट डिसीशन अगर लेना चाहता है तो बहुत बड़ा उसको एक संघर्ष करना पड़ता है, लड़की लड़के दोनों में मैंने देखा है। ही सेज वहाँ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बचपन से बच्चों को अडल्ट बनने की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि हम लोग उनको छोटे छोटे डिसीशंस में इन्वॉल्व करते हैं कि जिससे उनको ये पता चलता है कि भाई वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर डिसीशंस, हम जो भी डिसीशन लेंगे कल को उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उनको सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि बचपन से बच्चों को जिम्मेदारी डिसीशन लेने की एक ट्रेनिंग जो होती है छोटी छोटी चीज़ों में आप दीजिए जहाँ कर, और महिलाओं को तो स्पेशली फाइनेंशियल उसमें ज़रूर इन्वॉल्व करिए, उनको अपने राइट्स पता होने चाहिए, क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे राइट्स हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता, उनकी आवाज़ दब जाती है, क्योंकि बचपन से हम लोग क्वेश्चन करने से पे हम रोक लगा देते हैं, तो क्वेश्चन करिए। फिर उनकी शादी भी जो है जब तक वो इंडिपेंडेंट ना हो जाए, और एक 18 से कम से कम तो नहीं करिए जहाँ पे कि गाँव वगैरह में होती हैं,
तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो मुझे लगता है कि ज़रूर महिलाएं और पुरुषों को भी इतना ही ज़रूरी है ये चीज़ें पढ़ाना। बच्चों को तो हम लड़कियों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने लड़कों को अगर ये नहीं देंगे, इज्जत करना नहीं सिखाएंगे अपनी महिलाओं की, और घर में अगर जो फादर है वो एक लड़का जो है वो यही देखता है कि भाई मेरा फादर कैसे था, मेरी मदर कैसी थी, कितनी उसको डिसीजन लेने की एक फ्रीडम थी या नहीं थी, और वही चीज़ फिर वो आगे फॉलो होती जाती है। और दोनों का एक दूसरे में कितना रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी होता है कि एक, मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ कि कई लोग बोलते नहीं, किसी शादी होती है बेटी की, नहीं नहीं वो बहुत अच्छे लोग हैं करके उनने कहा कि वो उन्हें अलाउ कर दिया उसको काम करने के लिए। ये अलाउ वर्ड से मुझे थोड़ी सा परहेज होता है। मैंने कहा हम जब शादी करते हैं तो हम तो नहीं बोलते कि, लड़की से तो नहीं पूछा जाता कि भाई आप अपने पति को अलाउ करती हैं काम करने के लिए। जहाँ आप अलाउ वर्ड कर देते हैं तो इसका मतलब आपका एक पोजीशन आपकी हायर है और लड़की की डाउन है, कि आपका जैसे एक आप ओन करते हो उसको कि हमने ठीक है आपको अलाउ किया, तो वो एक मानसिकता ज़रूर बदलनी चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट डिसीजन जो है वुमन का उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये थी आरती तनखा जी, बहुत सारी बातें इन्होंने हमसे शेयर की और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की बात की, डिसीज़न मेकिंग की बात की, और जैसा कि इन्होंने बताया कि डिसिप्लिन जो है वो बचपन से आपकी फैमिली में होना चाहिए, और जो डिसिप्लिन है उसके साथ साथ आपका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। अगर हम बचपन से अनुशासन में रहते हैं तो आगे भी आपके लाइफ में जो है वो अनुशासन बना रहता है, रिस्पेक्ट बना रहता है, प्यार बना रहता है, और एक साथ ये सारी जो भूमिका होती है वो एक महिला में होती है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने बहुत अच्छी की कि जब भी आप घर में किसी को सीख देते हैं तो ये चीज़ सिर्फ बेटी को नहीं बल्कि बेटे को भी समझाइए, क्योंकि दोनों जो हैं वो सिमिलर हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों एक समान होते हैं, एक समान परवरिश अगर उनकी दी जाए तो लाइफ में आगे जाकर वो एक दूसरे में कंपटीशन नहीं करते हैं और हेय दृष्टि से महिलाओं को नहीं देखते हैं, लड़कियों को नहीं देखते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि लड़कियां जो हैं वो आत्मनिर्भर बने, पढ़ें लिखें, अपने पैरों पर खड़े हों, इसके बाद डिसीज़न लें अपनी शादी की, और शादी के बाद भी एक जब आप शादी होकर जाती हैं तो उस मकान को आप घर बनाइए और डिसिप्लिन रखिए और रिस्पेक्ट रखिए। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है अपने बड़ों की भी, छोटों की, और अपने साथ वालों की, तभी वो प्यार बढ़ता है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।